ईज़ी एंड डिलीशियस फूड में खुश आमदीद। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू की भुजिया की रेसिपी। इसके लिए जो चाहिए, हल्दी 1/2 टीस्पून, किसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑयल 1/2 कप, टमाटो पूरी 1 कप, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, आलू बारीक कटे हुए 1/2 kg। आइए अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेकर उसमें ऑयल डालेंगे, उसके बाद उसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको हल्का सा ऑयल चाहिए 1/2 कप ब्राउन करेंगे। जब ज़ीरे की महक आना शुरू हो जाएगी उसमें आलू शामिल करेंगे। अब इसमें एक एक करके मसाले शामिल करेंगे, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, किसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटो प्यूरी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे ताकि आलू टूटे ना। हम वाली आंच पर 10 से 15 मिनट तक रखकर पकाएंगे।
आलू अच्छी तरह गल चुके हैं, अब इन्हें मिक्स करके एक डिश में सर्विंग कर लेंगे इसकी। ये देखें नाज़रीन, अब हमारे आलू तैयार हैं।